हेलो स्टूडेंट्स, डाउट एट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3। बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। संख्याओं में हमें यह बताना है कि कौन सी संख्याएं हैं वो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं हैं। बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, या वे संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो, वे कहलाएंगी पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे 4 है, 9 है, इन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या है, तो इन्हें हम कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं। पीछे हमने किया था कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला पार्ट हमारे पास 153, 153 में जो इकाई का अंक है वो कितना है? 3 है। तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3 या 7, 8 हो, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। तो यहाँ पर 153 में इकाई अंक 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 257 में भी इकाई अंक कितना है? 7 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि 257 में जो इकाई अंक है वो है 7, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तीसरा पार्ट है 408। अब 408 के अंदर भी इकाई अंक कितना है? 8 है, और जिन संख्याओं में इकाई का अंक 8 हो, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चौथा पार्ट है 441। अब देखिए, यहाँ पर 441 है, इसमें इकाई का अंक क्या है? ना तो 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, इकाई का अंक 1 है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इकाई अंक 1 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या होगी।